सो गाइस, एक और आप लोगों का सवाल हो सकता है कि MG Comet के अंदर डिकैल्स के अलावा आप क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ सामने की तरफ एक कस्टमाइजिंग वेरिएंट खड़ा है, सेम टाइम पे पीछे पर्सनलाइजेशन लिखा हुआ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस गाड़ी में दिखा देते हैं उन लगी हुई चीज़ों को कि वो सारी चीज़ें यहाँ कैसे फिट हो रखी है, फिर उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर मॉरिस गैराज स्पेसिंग के साथ में लिखा हुआ और अलग से खूबसूरत सा है, बाकी गाड़ियों में मैंने ऐसा नहीं देखा था। सेम टाइम यहाँ पे एक रेड इंसर्ट आपको दिखेगा। नीचे की तरफ जब आप लाइट के जस्ट नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ जो इंडिकेटर्स हैं इनके ऊपर लगने वाली कुछ इस तरीके की एक्सेसरी है जो कि थोड़ी सी रगेड है और अलग अलग कलर्स में भी आपको ये मिलेगी। सेम टाइम गाड़ी का जो फ्रंट वाला बम्पर है इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके की क्लैडिंग देखने को मिलेगी और वहाँ पर अभी मैंने देखा था बहुत ही खूबसूरत और अलग अलग कलर्स में क्लैडिंग है। सेम टाइम पे व्हील आर्च क्लैडिंग जो है वो भी आपकी टू पीस के अंदर यहाँ दिखेगी, जिसके अंदर यहाँ रेड इंसर्ट है उसके साथ में व्हील आर्च क्लैडिंग यहाँ तक जा रही है। यहाँ पे क्यूट सा मड फ्लैप लगा हुआ है। सेम टाइम पे जो फ्रंट व्हील कैप है उसके ऊपर भी आपको रेड इंसर्ट देखने को मिलेगा। जब आप गाड़ी के साइड में देख रहे हैं तो जो आपका ओवर वीएम है उसके ऊपर भी नीचे लगने की बड़ी ही खूबसूरत एक एप्लीक्यूल है। उसके नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको डोर क्लैडिंग मिल जाती है, साथ के अंदर डोर हैंडल है उसमें भी आपको अलग से एक एप्लीक्यूल मिलती है लगाने के लिए। और यहाँ पर आपके पास में बड़े ही खूबसूरत डिकैल है, डिकैल के बारे में हम बात कर ही रहे थे। सेम टाइम नीचे की तरफ आपका जो डोर है वो किसी चीज़ से बैंग होके स्क्रैच ना हो इसीलिए आपके पास में डोर गार्ड भी यहाँ लगा हुआ है। और उसी के साथ में पीछे की तरफ भी यहाँ पर आपको एक व्हील कैप दिखेगी और उसी के साथ में जैसे फ्रंट के अंदर है वैसे ही पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पे एक व्हील आर्च क्लैडिंग जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें अगेन रेड इंसर्ट है। जब आप गाड़ी को पीछे की तरफ से देखते हैं तो इसके अंदर लगाने के लिए यहाँ पर ये जो आपके रिफ्लेक्टर्स हैं इनके ऊपर भी आपके पास में एक क्लैडिंग या बम्पर प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं वैसा कुछ है। और पीछे की तरफ जो बम्पर है उसके नीचे भी आपके पास में इस तरीके की क्लैडिंग है जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहे। ये तो रही इस गाड़ी की बात। अब सपोज करो आपको रेड कलर की जगह कोई और कलर में अगर ये चीज़ें चाहिए हो तो क्या करें। मगर उसके अलावा अभी पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, अंदर की तरफ जब आप देखते हैं तो आप गाड़ी में ले सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम क्वालिटी के सीट कवर और उसके साथ में स्टेयरिंग कवर जैसी कुछ और चीज़ें। तो ये तो यहाँ पर लगी हुई है। अब अगर सपोज करो आपको कलर दूसरा चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको बाकी कलर्स के ऑप्शंस भी देखने हैं और जो कलर आपको सूट करे वो लेना है। तो सबसे पहले रेड के बाद में आपके पास में जो ऑप्शन है कलर ऑप्शन वो कुछ ये वाला है, जिसके अंदर हल्का सा पैरेट ग्रीन आपके पास में कलर है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन पैटर्न है। उसके साथ में आपके पास ऑरेंज कलर के भी यहाँ पर ऑप्शन है और साथ के अंदर ये जो टर्कोइश शायद इसको क्या कहा कौन सा सियान, तो ये सियान जो कलर है उस कलर में भी आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। सेम टाइम जिन स्पेसिंग की हम बात कर रहे थे वो भी आपको अलग अलग कलर्स में मिल जाता है। उसके नीचे की तरफ आपके पास जितनी भी एक्सेसरी उस गाड़ी में लगी हुई थी, फॉर एग्जांपल व्हील जो कवर है वो, अब मैं इस व्हील कवर को तो दिखा चुका हूँ तो नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। सो यहाँ पर आपके पास में व्हील कवर जो है वो कुछ इस डिज़ाइन में भी आपको मिलेगा, जो डोर एप्लीक्वी है डोर हैंडल वाली वो कुछ इस कलर की मिलेगी। सेम टाइम यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता है, अगर आपको जो की है उसके फॉब के ऊपर की तरफ लगने वाला प्रोटेक्टर भी चेंज करना हो तो आप कुछ इस तरीके की डिज़ाइन ले सकते हो। जो लोअर वेरिएंट है उसके अंदर कुछ इस तरीके की डिज़ाइन आएगी और उसके अलावा जितने भी प्रोटेक्टर्स है उसके अंदर आपको ये सारे के सारे कलर्स मिलते हैं और भी बहुत सारे कस्टमाइजिंग के आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं। सपोज़ करो आप थोड़े से कूल ओल्ड क्लासिक लोगों में से एक हो जिनको पसंद है कि भाई साहब अपनी गाड़ी में बहुत सारा होना चाहिए भर के क्रोम, तो आप क्रोम पैकेज भी ले सकते हो। और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में जो डोर रेन वाइज़र है वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए उसमें बहुत बड़े साइज़ का डोर है तो रेन वाइज़र भी यहाँ पर डिस्प्ले है और उसके अलावा कुछ और एक्सेसरी यहाँ डिस्प्ले में है। अगर आपको और ज़्यादा कम्फर्ट चाहिए तो आप नेक रेस्ट भी लगा सकते हो। और एक दो खूबसूरत और एक्सेसरी थी जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास में एक पावर बैंक है, ये इतना बड़ा पावर बैंक है कि जिससे अगर आप कैंपिंग वगैरह करने के लिए जाओ तो आप सारे के सारे काम पूरे कर सकते हो, सेम टाइम अपना लैपटॉप भी चला सकते हो। और उसके साथ में यहाँ पर ह्यूमिडिफायर और नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में एक ग्लास है बड़ा ही खूबसूरत जिससे कि आप चीज़ों को ठंडा या गर्म अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यस, MG के पास में बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट है, क्योंकि हम सरप्राइजिंग एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हम क्यों ना बात करें। सो गाइज, गाड़ी के अंदर अगर आपको
खूब सारा और सारा सामान कैरी करना हो तो एक रूफ रैक लगा सकते हो, रूफ बॉक्स इसको हम बोलेंगे। सो ऊपर आप इंटीग्रेटेड रूफ बॉक्स लगा सकते हो जिसके अंदर आपकी जितनी प्रीशियस और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो भी आप रख सकते हो। नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल जाते हैं फ्लोर मैटिंग के। सो ये वाला थोड़ा सा कोजी कोजी फ्लोर मैट है। अगर आपको मेरी तरह रगेड फ्लोर मैट पसंद हो तो उसके अंदर आप इस तरीके की ट्रे वाली मैटिंग भी ले सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इनमें से कौन सी एक्सेसरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और उसी के साथ के अंदर आप कौन सी एक्सेसरी अपनी गाड़ी में फिट करवाएंगे। जब मैं सामने देख रहा हूँ ना तो मुझे ये वाला जो कलर है ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाड़ी के अंदर। सो अगर मैं मेरी कॉमेट को कस्टमाइज़ करवाता तो मैं ये वाला पैकेज 100% लेता। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में और कॉमेट की और खूब सारी वहाँ पर बातें करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं।